चलिए बढ़ते आगे। अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही विधान सत्र को लेकर भी बयान दिया। हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। का आज दूसरा दिन था, इसमें तमाम मुद्दों को भी रखा गया था। मुख्यमंत्री ने भी अपनी भाषण दिया। इस वक्त प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सत्र भी चला सर, मुख्यमंत्री ने कई सारी बातें रखी, लेकिन बातों का कितना तवज्जो आप देते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी कोई पॉजिटिव बात नहीं, केवल विपक्ष पर 5 बरस सरकार वो चला लिए, उसके बाद भी विपक्ष पर हमलावर, इसका मतलब वो सत्ता में है नहीं, इसलिए 5 बरस में कुछ काम किया ही नहीं, न विकास किया, न रोजगार के लिए किया, न किसान के लिए किया, न मजदूर के लिए किया, न छोटे व्यापारियों के लिए किया, काम तो किसी के लिए नहीं किया। तो आज भी उनकी प्राथमिकता है विपक्ष पर हमला करना, यही करते रहे। दावा एक सर, दूसरी बार भी सरकार बना रहे हैं सर आप? कौन मुख्यमंत्री? अब वो बहुत उद्दू सपना है उनका, इस बार हर जाति धर्म वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है इस सरकार की नाकामी के कारण इसको हटाने का, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। सर, यूपी की राजनीति में एक सबसे बड़ा मामला सामने आया कि शिवपाल जी का और अखिलेश जी का मुलाकात हुई सर, चुनावी दृष्टि से और आने वाले समय में सर कितना अहमियत रखते हैं? अब दोनों की मुलाकात ठीक हुई है, किसको अहमियत देंगे सर, क्या अहमियत क्या रहेगा सर चुनाव में? अभी तो उनसे पूछिए दोनों लोगों से, हम इतना ही कह सकते हैं कि मिलन ठीक रहा। अच्छा संकेत है चुनाव के? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा संकेत। सुखे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का साफ तौर से कहना है कि जो मुलाकात हुई है शिवपाल जी का और अखिलेश जी का, आने वाले चुनाव में अच्छा संकेत है। लखन सती संगम, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। Download it now.